यार तो ये तो है ही। मैं तो अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि अगर कोई ये सोच के मारुति ले रहा है कि सस्ती सर्विस है, वहम है भाई। भाई और हमने नई गाड़ी भी जो है SUV ही बुक कराई है। हाँ भाई, हल्का मौत भाई, एक थोड़ा क्लू तो बनता है। महिंद्रा महिंद्रा तो भाई सबने देख लिया वीडियो में भाई। पुराने जमाने में जैसे हम हरियाणा से हैं भाई, जब हम छोटे होया करते थे तो अरे वो गबिया में स्विफ्ट आई है, तुमने बेरा है वो गबिया में स्विफ्ट आई है, तो थोड़ी इसी थोड़ी कहते हैं ना उसको कि वो आज भी बरकरार रखी हुई है इस गाड़ी ने। स्विफ्ट। हेलो गाइस, मयंक चौधरी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो आप स्विफ्ट देख रहे हैं अपने सामने मारुति की तरफ से जो आती है, वो कोई मतलब आम स्विफ्ट नहीं है, काफ़ी स्पेशल स्विफ्ट है और काफ़ी स्पेशल बंदे की स्विफ्ट है। HR26EC8601 नीचे लाल पट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि ये स्विफ्ट किसकी है HR नंबर देखते ही, और जो लोग नहीं समझे उनको मैं बता दूंगा अभी वीडियो में, आप बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ ही जाएगा। उससे पहले ये जो हमारी स्विफ्ट है ये 2019 मॉडल है। स्विफ्ट मतलब अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग कार रही है, पुरानी जनरेशन भी ये वाली जनरेशन भी। तो आज हम जानेंगे स्विफ्ट ओनर से कि स्विफ्ट में ऐसा क्या है जो हर कोई स्विफ्ट लेना पसंद करता है और आज की डेट में भी अपने सेगमेंट में हिट कार बनी हुई है। तो मैं बुलाना चाहूंगा स्विफ्ट के ओनर नन अदर देन भाई यज्ञ शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका चैनल पर। कैसे हो भाई? एकदम एकदम बढ़िया भाई। तो भाई कौन से मॉडल की स्विफ्ट है ये? 2019 अक्टूबर है भाई। तो भाई इनोवा लेने, इनोवा मतलब रखने के बाद स्विफ्ट लेने का कैसे मन बन गया भाई? इनोवा ना बड़ी गाड़ी हो जाती है थोड़ी सी, तो हर जगह लेके नहीं जा सकते। फिर यार मार्केट वार्केट के काम हो, आसपास के काम हो, तो एक छोटी गाड़ी चाहिए। प्लस दूसरा पॉइंट भाई, ये गाड़ी मेरी है, मतलब इसको मेरी पर्सनल है कह सकते हो आप। और जो इनोवा है वो पापा चलाते हैं, तो फिर पापा को उनके काम होते हैं, मेरे को मेरे होते हैं, तो दो गाड़ियां तो चाहिए ही थी यार। तो मतलब ये आपकी पर्सनल है, एज अ पर्सनल कार? बिल्कुल मेरी पर्सनल गाड़ी है, मेरे दादाजी चला लेते हैं लेकिन वो कहीं जाएंगे आसपास। ये बात सही है। तो भाई जैसा कि 2019 में आप बता रहे हो, तो कौन सा मॉडल है भाई? ये है भाई 2019 VXi पेट्रोल। अच्छा, जो मिड मॉडल अपना आता था, LXi बेस, VXi बीच का, ZXi टॉप का। तो भाई मिड मॉडल में ऐसा क्या वैल्यू फॉर मनी आपको लगा जो आपने ये पिक करा? भाई देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ, मैं i20 लेने गया था। ठीक है, Hyundai की i20, लेकिन i20 पसंद थी शुरू से, क्योंकि इससे पहले स्विफ्ट रखी है VDI जो आती थी 2014, तो उसके बाद i20 लेने का मन था। i20 लेने के लिए गए तो आपको पता है उस टाइम पे ना ये वाली ये आई नहीं थी सब कॉम्पैक्ट SUVs, उस टाइम पे हैचबैक ही थी 2019 में। उसके बाद जब i20 लेने का विचार बना तो वेटिंग बहुत थी डीजल पे, गाड़ी ये सोचा था कि डीजल ही लेंगे क्योंकि पेट्रोल कभी चलाई भी नहीं और ना अच्छा भी नहीं लगता पेट्रोल चलाना। उसके बाद भाई जब वो लेने गए तो वेटिंग सुना थोड़ा, आपको पता है बड़े बूढ़ों का दिमाग ऐसे ही रहता है कि मारुति थोड़ी है जो आपकी पॉकेट को ध्यान रख सकती है, सर्विस वगैरह इसकी सस्ती होगी, सो चीज़ें हमारे दिमाग में चली थी। तो फिर मेरे पापा बोले कि मारुति की स्विफ्ट ले लेते हैं। अच्छा, स्विफ्ट जब लेने गए, जब भी मैंने कहा था स्विफ्ट भी ले रहे हो ना तो डीजल लेना, पेट्रोल मत लेना, तो उन्होंने कहा अरे इतनी चलनी वलनी है नहीं, पेट्रोल ले लेते हैं, और मतलब ठीक है सस्ती भी पड़ेगी और पेट्रोल बढ़िया भी रहती है। तो भाई ये सोच के ली थी कि इतनी चलेगी नहीं, लेकिन 2019 से लेकर और अभी 2022 चल रहा है, अंदाजा लगाओ कितनी चल गई होगी भाई। मेरी को 2 साल हुआ और मेरे से अभी 20,000 ही चल पाई है। तो भाई मेरी चल गई है 54,054। बताओ मतलब। तो अब मैं पापा को भी बोलता हूँ, पापा खुद भी बोलते हैं यार तेरी मान लेते तो डीजल ले लेते तो भाई, क्योंकि बहुत तेल भी पी जाती है। देखो कहने की बात है कि स्विफ्ट एवरेज देती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेट्रोल तो पेट्रोल ही है यार, वो महंगा तो है ही ना। और भाई मैं बताना चाहूंगा कि बीच में लॉकडाउनर था और लॉकडाउन नहीं लगता तो भाई ये 54 चला दिया हमने। अब आप लगा सकते हो। और वही बताना चाहूंगा कि वैसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, यज्ञ भाई का भी चैनल है यज्ञ शर्मा नाम से, जो जो भाई नहीं जानते वीडियो में मतलब आपको स्क्रीन पर चैनल का नाम देखने को मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा यज्ञ शर्मा भाई ड्रैग रेस क्या एक एक नंबर कराते हैं, बहुत ही नियर है भाई 1 लाख सब्सक्राइबर के, 70,000 हिट कर दिए, जल्दी से भाई भाई के 1 लाख कराओ, सिल्वर प्ले बटन चाहिए भाई आपका। थैंक यू भाई, जल्दी से भाई जल्दी जाओ, जिन्होंने नहीं देखा भाई का 1 लाख कराओ और सिल्वर प्ले बटन भाई पार्टी चाहिए फिर आप। डन डन डन। ठीक है भाई, तो जो जो भाइयों को मतलब भाई का चैनल नहीं देखा वो जल्द से जल्द जाए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, ड्रैग रेस में आपको मैं रियली बता रहा हूँ 1 नंबर मजा आ जाएगा और भाई के 1 लाख जल्दी से जल्दी टिकवाएं। तो भाई एक बार आ जाओ, पीछे आ जाओ, तो एक बार कार के अंदर बैठ के देखते हैं। तो भाई इनोवा मतलब टोयोटा की इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी, उसके बाद मारुति स्विफ्ट पे शिफ्ट होना, तो आपको फर्क तो लगता ही होगा भाई। पूरा फर्क लगता है, जब ये गेट खोल के बंद करता हूँ ना उसी में पता चल जाता है, इनोवा का बहुत हैवी गेट है, इसका इतना हैवी नहीं है। तो ये था, जब तक हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी मयंक भाई, मैं सच बताऊँ ना आपको,
चैनल तो अभी शुरू करा था, इतनी नॉलेज थी नहीं कि बिल्ड क्वालिटी भी होती है, ये भी होता है, ये पता था कि मारुति की गाड़ी है तो सदा बाहर है, सो लेने के बाद कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज जब यार पब्लिक हमारे पे भी कमेंट करती है कि एक जगह 5 स्टार इनोवा लिए बैठा है, एक जगह तो 2 स्टार 3 स्टार स्विफ्ट पे है, तेरे को भी वो होना चाहिए, ड्रैग रेस हम करते रहते हैं, बहुत कमेंट आते हैं भाई। लेकिन हाँ, बुरा लगता है, मारुति को काम करने की जरूरत है। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी से आप भी संतुष्ट नहीं है? नहीं यार, ये देखो ना, कुछ चीजें हैं यार जो मतलब हमें भी दुखती हैं। परफॉर्मेंस एक नंबर है, आपकी डीजल के साथ रेस करी आपने भी देख लिया, परफॉर्मेंस के मामले में मैं आंख बंद करके कहता हूँ हैचबैक में मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, पोलो जीटी को छोड़ के किसी को भी। तो ये होता है भाई कि परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होती यार, मैं थोड़ी धीरे चला लूंगा लेकिन मेरे को बिल्ड क्वालिटी भी तो अच्छी चाहिए ना। तो मतलब देखो ना, आपको पता चल जाएगा, प्लास्टिक क्वालिटी तो वही हल्की है, और अगर मैं गेट भी वही हल्का ही है, मतलब खोलोगे तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप आगे पीछे भी कर रहे हो, काफी लाइट वेट, इजी हैंडल है भाई, इजी हैंडल है भाई, बस ये वाली बात है, और कॉम्पैक्ट सी अपनी बढ़िया है। तो भाई अब मारुति का जिक्र तो आपने कर दिया, सर्विस एकदम बढ़िया देती है, 54,000 आपने चला दी, तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है आपका? 53995 मान लो आप इसको, भाई 54 ही हो गया ये बिल्कुल। तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा और कितनी सर्विस हो गई अब तक इसकी? भाई इसकी हो गई है पेड, हो गई है 5 5 हो गई इसकी, 10,000 20,000 30,000 5 सर्विस हो गई है पेड। तो अगर सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो मैं भाई नॉर्मल इंजन ऑयल नहीं डलवाता, मैं सिंथेटिक डलवाता हूं, जो थोड़ा ज्यादा वो होता है सिंथेटिक वाला, और वो भी मैं मारुति का नहीं डलवाता, अपना लेके जाता हूं और मारुति को कह देता हूं मेरा ये वाला इंजन ऑयल डाल दो। पहले वो मना करेंगे जी हम नहीं डालते, ये वो हमारी पॉलिसी नहीं है, तो उनको सीधा ये बोलो भाई मेरी दोस्त की दुकान है, मेरे को फ्री में मिलता है, तो मैं क्यों तेरे को 2,000 रुपए दे के अपनी सिंथेटिक डलवाऊं। तो फिर वो देखते हैं, वो डाल देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्विस कॉस्ट की बात कर ले तो भाई मिनिमम 7,000 से 8,000 रुपए की सर्विस होती है इसकी, 7-8 हज़ार की पहुंच जाती है, भाई इसकी तो भाई मेरी वेन्यू की 3,500 खींच के हुई है, 20,000 रुपए इसकी सर्विस, तो इस हिसाब से तो मेरी वो तो है यार, तो ये तो है ही। मैं तो अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि अगर कोई ये सोच के मारुति ले रहा है कि सस्ती सर्विस है, वहम है भाई। भाई मतलब मेरी तो चलो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसकी भाई 3,500 की हुई थी अभी, 20,000 वाली सर्विस। अरे इनोवा की नहीं होती इतनी तो भाई, इनोवा की 8-9 में होती है, बताओ इतनी बड़ी गाड़ी है इनोवा। तो ये है भाई, तो मतलब भाई सर्विस एक्सपीरियंस के तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है मारुति के साथ, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, महंगी है लेकिन हाँ एक्सपीरियंस अच्छा है। मैं एक बार मेरी कुछ दिक्कत आ गई थी गाड़ी में, कोई इसकी टाइम बेल्ट आवाज कर रही थी, तो मैं लेके गया उनके पास, वो बोले कि हाँ ठीक है ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, गाड़ी छोड़ दो, सुनवाई पूरी है आपकी। अब ये हो सकता है कि वो कैमरा देख के ऐसे कर रहे हो कि भाई कैमरा खोल रखे है कि यूट्यूब पे जाएंगे, या वैसे भी मैंने भी जितना एक्सपीरियंस करा मारुति की सर्विस ठीक है, लेकिन हाँ महंगी है, महंगी है, बहुत महंगी है। तो भाई अब जैसे बलेनो आ गई है नई मार्केट में, 3 साल इसको हो गए, तो अगर अब आपके पास ऑप्शन हो अपग्रेड करने का तो अब क्या आपका ओपिनियन है? भाई मैं हैचबैक नहीं लूंगा, अच्छा। मुझे हैचबैक नहीं चाहिए, मेरे को एसयूवी चाहिए, और हमने नई गाड़ी भी जो है एसयूवी ही बुक कराई है। भाई हल्का मौत भाई, एक तो थोड़ा क्लू तो बनता है, महिंद्रा तो भाई सबने देख लिया वीडियो में ओपन में, भाई एक हल्का क्लू, वैसे आइडिया मुझे जो लग रहा है लेकिन मैं भी शेयर नहीं करना चाहूंगा, आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। 4x4 नहीं है, झूठ, सच, 4x4 नहीं है, तो वही है, तो और अच्छा सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने, 4x4 नहीं है। तो अब भाई ये तो आपको भाई के चैनल पे ही जाके देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी गाड़ी लाते, तो भाई कब तक एक्सपेक्टेड कब तक आ सकती है? कल परसों इनका मैसेज आया था महिंद्रा का, वो ये कह रहे थे कि डिलीवरी आपको मिलेगी, वो ये कह रहे थे कि डिलीवरी आपको मिलेगी जनवरी में, अगर आप अगले साल भाई अब तो मैं समझ गया कौन सी गाड़ी की बात हो रही है, एक साल की वेटिंग। अरे तो अगले साल तक आप रुक जाओगे? भाई नहीं, मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए डाउन पेमेंट के, तो मैं प्रीमियम देके गाड़ी जल्दी ले लूंगा। अच्छा मतलब वो ही है, पैसा फेंक तमाशा देख, देख वाला हिसाब है। हमारे एक भाई हैं आशीष भाई, उन्होंने भी 70,000 रुपए ऊपर देके ले ली थी। अच्छा ले ली थी, समझ गया भाई मैं। तो भाई फिर स्विफ्ट सेल करोगे या रखोगे? नहीं भाई स्विफ्ट रहेगी, तो 3 गाड़ी हो जाएंगी घर में, 4 होंडा सिटी भी हमारे पास। अच्छा उसमें तो भाई 4 गाड़ियों का करोगे क्या? भाई सबका है ना हमारे में अलग अलग है, जैसे पापा इनोवा चलाते हैं, ठीक है, ये मैं चलाता हूँ, चाचा चलाते हैं होंडा, ठीक है, तो चाचा होंडा ही चलाएंगे, ये बस ये, हाँ एक आपकी सही बात है, ये खड़ी रहेगी वही तो स्विफ्ट खड़ी रहेगी, ये आसपास के काम हो तो स्विफ्ट ले जाओ। ये गाड़ी मेरे को इतनी बढ़िया लगती है भाई, पेट्रोल है ये, इसकी एवरेज देखो ड्रैग रेस करने के बाद दे रही है 16.6 की, बताओ क्या माड़ा है आप बताओ,
तो भाई ये नॉर्मल में कितनी दे देती है? 20 प्लस बताओ और क्या चाहिए? मतलब ये है, बिल्ड क्वालिटी का हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करके आपको जो इंडियन को सुख चाहिए ना माइलेज का, वो आपको पूरा मिल जाता है। और बाकी भाई कोई नेगेटिव आपको मतलब लगा? सबसे बड़ा नेगेटिव बिल्ड क्वालिटी। दूसरा नेगेटिव जो मेरे को थोड़ा सा लगता है, इनकी प्लास्टिक की भी ये बिल्ड क्वालिटी में ही आ जाते हैं वैसे तो। जैसे आप मान लो यूं गाड़ी चला रहा हूं मैं, ठीक है, तो जब गाड़ी हाई स्पीड पे चलाते हैं तो दोनों हाथ बेसिकली पोजीशन ये रहती है, मान लो ये ना करके मैंने ये पोजीशन रख ली, तो जब भी मैं गाने वाने चेंज करता हूं, हॉर्न मारता हूं ना, तो ये देखो ये आवाज आती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है गाड़ी, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। पावर का तो आपको पता है, आपने खुद देख लिया, भाई देख लिया आज, पावर के तो मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि एसी चलाते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी दबती है ये वाली, जैसे मान लो ब्रेकर आया और सेकंड गियर पे उठाई आपने, तो सेकंड गियर पे भी थोड़ी सी वाइब्रेट करेगी एसी में, ये थोड़ी सी। तो बाकी ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो? भाई मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। अगर किसी को लेनी है, कोई जा रहा है पेट्रोल में वैगनार लेने के लिए, Hyundai की i10 लेने के लिए, या जो टाटा की एल्ट्रोज वगैरह है वो लेने के लिए जा रहा है, तो देखो टाटा का तो ये है 5-star बिल्ड क्वालिटी है, तो टाटा के लिए जाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहते हो पंजा दबाती गाड़ी उठे, तो आप स्विफ्ट के लिए जा सकते हो। तो मतलब आप ओवरऑल इसको रिकमेंड करते हो? मैं रिकमेंड करता हूँ भाई। देखो अब लोग ये भी कमेंट करेंगे कि कम बिल्ड क्वालिटी गाड़ी रिकमेंड कर रहा है, लेकिन क्या करें, इंडियंस को भाई यही पसंद है भाई। और जिसने जाना होगा वो 5-star में भी जाएगा, नहीं जाना होगा वो 3 में भी नहीं जाएगा भाई। ये तो बिल्कुल भाई ने बात सही कही है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आज भी आपको पता है कि अगर होना हैचबैक में, स्विफ्ट की थोड़ी इज्जत है गाड़ी की। अच्छा स्विफ्ट आई है भाई, पुराने जमाने में जैसे हम हरियाणा से हैं भाई, जब हम छोटे होया करते थे तो अरे वो गबे हमें स्विफ्ट आई है, तुमने बेरा है वो गबे हमें स्विफ्ट आई है, तो थोड़ी इसी थोड़ी कहते हैं ना उसको कि वो आज भी बरकरार रखी हुई भाई, है इस गाड़ी ने। स्विफ्ट का कब्जा है अपने सेगमेंट पे, बस ये वाली बात है। तो ऐसा कुछ ओनरशिप एक्सपीरियंस था जो कि यज्ञ भाई ने शेयर करा, मैं फिर से कहना चाहूंगा यज्ञ भाई 70,000 भाई मेरे को भी सही में आपके 100 के देखने हैं। हाँ तो जो जो भाई ने चैनल नहीं देखा यज्ञ भाई का, वो जरूर से जाके देखें, यज्ञ शर्मा नाम से भाई का चैनल है, और जरूर से सब्सक्राइब हिट करें और भाई की ड्रैग रेस एंजॉय करें। ऐसी कुछ ओनरशिप एक्सपीरियंस था अपनी स्विफ्ट VXi का। अगर आपका बजट है ना तो आप जरूर से एक ट्राई दे सकते हैं स्विफ्ट को। ऐसी कुछ वीडियो थी, अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।